सामने आने का ना आने का कारण एकमात्र यह भी है, लोग कहते हैं देवता नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? आप एक साधारण सी, आप एक साधारण सी अग्नि के सामने खड़े नहीं हो सकते। आप एक साधारण सी अग्नि के सामने खड़े नहीं, उसकी जो उष्णता है, अग्नि की जो गर्माहट है, उससे थोड़ी देर तक तो अच्छी लगेगी। वही भी ऋतु के अनुसार अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है, फूस का महीना है, पौष मास है, तो भाई अग्नि की ऊर्जा हमें लाभदायक तो हम गया। लेकिन वह भी एक निश्चित अवधि के बाद में वो हमारे शरीर को जलाने लगती है अग्नि। और जब वह अग्नि तत्व जलाने लगता है, विचार कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर उस अग्नि को झेलने के लायक नहीं। तो जरा विचार कीजिए, जिसके अंदर में असंख्य सूर्यों का अस्तित्व हो, असंख्य सूर्यों का तेज हो, असंख्य विद्युतीय शक्ति हो, विद्युत शक्ति हो, बिजली का करंट जिसके अंदर प्रवाहित होता हो, जिसके शरीर के अंदर हो, जरा विचार कीजिए, अग्निदेव जिसका निवास हो, ये तो कृपा है भगवान की हमारे और आपके ऊपर। क्यों भगवान हमको दर्शन नहीं देते साहब? अगर कहीं उन्होंने हमें दर्शन दे दिए तो हमारा शरीर उनका दर्शन करने लायक नहीं है और हमारा शरीर फट जाएगा, शरीर फट जाएगा। कई बार होता है ना, हमारे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा, हम ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते। क्या होता है? गर्मी खोपड़ी पर चढ़ जाती है, तकसीर नाक बहने लगती है। अगर आप चाहते हैं ईश्वर का दर्शन करना, कितने लोग हैं जो ईश्वर का, अगर ईश्वर का दर्शन करना है तो अपने शरीर को उसके दर्शन के योग्य बनाइए साहब, योग्य बनाइए। अभी हमारा बाह्य शरीर और बाह्य के बाद में अभ्यंतर शरीर, हमारे अंदर का शरीर, उस अंदर के शरीर के भी बाद में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वह तीनों शरीर अभी हमारा ईश्वर के दर्शन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ईश्वर हमको दर्शन नहीं देता, इसलिए हमको ईश्वर दर्शन नहीं देता। अभी हम शारीरिक रूप से, हम मानसिक रूप से, अभी हम वैचारिक रूप से, अभी हम दृष्टि के दृष्टिकोण के सूत्र से, अभी हम कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है ईश्वर का दर्शन करने में। ईश्वर ये साधारण सा बल्ब आपके घर में जल रहा हो, उसको आप टकटकी लगा के देखिए, आंखें खराब हो जाएंगी साहब, आंखें खराब हो जाएंगी। विचार कीजिए, ये कानों के अंदर आप पूरी रात अगर आप जो है एक वॉल्यूम जो ईयरफोन का जो दिया जाता है उसको तेज ध्वनि, उसकी एक्सट्रीम ध्वनि को ले जाकर के आप कान को सुन करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि आपके कान इस लायक नहीं रह जाएंगे दूसरे दिन सवेरे आप कुछ सुन सके। उसमें बाकायदा वो मेजरमेंट दिया गया है, मेजर किया गया है कि आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, ईयरफोन के ऊपर। जरा विचार कीजिए, और आप उसको सुनने की बात करते हैं, वो कहां उपस्थित नहीं है। जर्रे जर्रे में मुझको तू ही नजर आता है, जर्रे जर्रे में मुझको तू ही नजर आता है, इस जहां के हर नजारे में मुझको तू ही नजर आता है। नजर के बदलते ही नजारा बदल जाता है। ये नजर नजर की बात है कि किसको क्या क्या नजर आता है, कि किसको क्या क्या नजर। तो आज का जो सूत्र रहा वह बड़ा सुंदर सा। आज आवश्यकता है कि हम ईश्वर, आजकल लोग कह देते हैं कि हमको सब ईश्वर नहीं दिख रहा, हमको भगवान दिखाई। अरे भगवान को देखने के लिए प्रधानमंत्री को भी मिलने के लिए जरा विचार कीजिए, साधारण स्थिति अवस्था में भी आप प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, हमारे सेवक हैं, हम ही उन्हें पैसा दे रहे हैं, हम ही उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति से मिलने के लिए, उस व्यक्ति से मिलने के लिए हमारे कर्म सुंदर होने चाहिए, हमारे कर्म कुछ सबसे अलग होने चाहिए। अगर हमारे कर्म कुछ सबसे अलग हैं, तभी हम प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे साहब। अगर साधारण जगत की साधारण व्यवस्था में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी हमें अपने कर्मों में बदलाव करना पड़ता है, हमें कुछ कर्म अलग करने पड़ते हैं, तो जरा विचार कीजिए। यह है तो मिलन ईश्वर के साथ की बात हो, ये तो ईश्वर से मिलने की बात है। जरा विचार करें,
एक बड़ा सुंदर सा शेर आप मुझे याद आ गया है, और वह बड़ा सुंदर है कि उससे मिलन अगर करना है तो उसके लिए बड़ा सुंदर गोपियों ने एक ही सूत्र गाया, और वह सूत्र है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति, ये तो सूत्र जो है वो प्रेमा भक्ति, प्रेम के अंतर्गत में ही आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी महाराज जब मिलने के लिए पहुंचे ना, तो गोपियों ने बड़ा सुंदर कहा है कि श्याम तन श्याम वन, श्याम है हमारो धन, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, और आठो याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, की आंधे की शिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिनु नाही लिए, श्याम सुखदाई सो भलाई सो भालाम है, और उदो 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 तुम भय बोरे जो पाती ले दौरे, उधो तुम भय बोरे जो पाती ले के आए दौरे, अरे योग कहां रखे यहां, रोम रोम श्याम की योग कहां रखे यहां, रोम रोम श्याम है अरे योग कहां रोम रोम श्याम। जरा विचार करें, ऐसे ही नहीं है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें अगर ईश्वर से मिलना है तो हमारे अंग प्रत्यंग में प्रेम की भक्ति होनी चाहिए। उसका नाम ये जो गोपियों ने जो लेपन किया, यादो हरे वहरने वधनो बलेपा, ये लेपन एक एक अंग प्रत्यंग से श्याम का नाम का रंग से अंग अंग रंग लिया है साहब, अंग अंग रंग लिया। बड़ा सुंदर व्याख्या इसकी है।